तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम। ये रहा गांधी आश्रम, साबरमती गांधी स्मारक संग्रहालय। टिकट लगेगा यहाँ पे? नहीं, टिकट नहीं लगेगा। आगे वैष्णो देवी मंदिर। इस पत्र पेटी में डाले गए पत्रों पर गांधी आश्रम की विशेष मुहर लगाई जाएगी। गांधी जी सुबह मॉर्निंग वॉक है भी क्या करते थे? हैं? हाँ, सुबह 6 बजे गांधी जी का उठने का शेड्यूल था। अच्छा। और घर पे ब्रिस्क वॉक करते एकदम से। साबरमती आश्रम हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर संग्रहालय पूजा करा करते थे, सीधे आगे करा करते थे। अच्छा, एकदम नदी के किनारे। अच्छा, अभी हम हैं गांधी आश्रम में, साबरमती आश्रम में, और अभी हम जा रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट में हम लोग पहुंचने वाले, मैं आपको दिखाता हूँ। गांधी जी सुबह बैठे बैठे यहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं। ये देखिए अपने स्क्रीन पर साबरमती रिवर फ्रंट। और जैसे कहते हैं अमृत पुरी ने DDLJ में खिलाया था, सारी मोहब्बतें में आओ आओ, आओ, आओ। वैसे कबूतर वो सीन दर्शी फिल्माया गया था। अच्छा, आओ आओ, आओ। तो अभी आपके सामने है प्रार्थना भूमि, वंदना एवं मंथन। यह प्रार्थना भूमि गांधी जी के कर्मयोग का प्राण। सुबह यहाँ प्रार्थना कर सभी आश्रमवासी कार्य प्रारंभ करते एवं शाम को यहाँ प्रार्थना करते समय अपने अपने कार्यों का हिसाब करते। गांधी जी की कड़ी परीक्षा व कसौटी के समय यह स्थान सच्चे निर्णय या मंथन का साक्षी रहा। यह स्थान, ठीक है, ये स्थान जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उपासना मंदिर, उपासना मंदिर, इसके बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर। गांधी जी का कमरा, यह वही कमरा है जिसमें देश विदेश के मुलाकातों से खातियों से बात की मिलते थे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम निकल गए हैं सन टेंपल के लिए, मोटेरा ना, मोटेरा सन टेंपल के लिए, मोटेरा। अच्छा, मोडेरा सन टेंपल के लिए हम लोग निकल चुके हैं, और अभी यहाँ से लगभग 81 किलोमीटर का सफ़र हमने तय करना है, जिसमें हमें 1.5 घंटे का समय लगेगा, और उसके बाद हम जाएंगे रानी की वाव। तो चलिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अच्छा, 100 रुपये के नोट के पीछे दिखता है। हाँ, 100 रुपये के नोट के पीछे जो चित्र बना हुआ है वो वहीं का है, रानी की वाव का। तो हम उसी जगह जाने वाले, बावड़ी वहीं जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सलीम भाई ने हमें रास्ते में रोक दिया है, और अभी हम जाएंगे कहाँ? अडालजनी वाव। अडालजनी वाव, अडालजनी वाव वर्ल्ड कप फाइनल, अमित सर रोहित शर्मा का फोटो शूट ये हुआ था। अच्छा, तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं।
गुजरात की सुंदर बावड़ियों में से एक अडालज बाव अहमदाबाद के उकरार में 19 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण रानी रुदा देवी ने 1499 में अपने पति की याद में करवाया था, जो वाघेल साम्राज्य के प्रमुख वीर सिंह की पत्नी थी। तो अडालज की बावड़ी काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ पर पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पर। फोटोग्राफी करने के लिए काफ़ी आपको यहाँ पर मौके मिल जाते हैं। और यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी तो मोटा भाई मजा आवी गयो, मजा आवड़ी गयो दादा एकदम सरस सरस बद्दू मजा आवड़ी गयो बद्दू मजा अडालज की बावड़ी ये इतने बार बोल दिया मैंने व्लॉग में रूड़ा भाई की है यार ये अडालज रूड़ा भाई की वाव यह 5 मिनट चलो इसके बारे में तो पता चल जाएगा यूट्यूब से। ठीक है मारुक गुज्जर आर्किटेक्चर स्टाइल विद कितना गया 150। अरे ना खा जा सो पैसा मत लीजिए सर, आप जो बोलेंगे क्या पेरू खिला भाई मेरे, हाँ खाने के बाद पैसा पेरू करना अच्छा लगे तभी फुल गारंटी। तमो ने मजा आता पैसा जो ना मारा तो फिल्म ले जाओ बद्दू मजा बस सर आपका कितना करूँ। यह है मोढ़ेरा सन टेम्पल। सर आपको गाइड चाहिए? नहीं 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 नहीं। ये देख सकते हैं आप मोढ़ेरा सूर्य मंदिर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर से पढ़ सकते हो। और रेड कारपेट यहाँ पर बिछा हुआ है। पहाड़ से हम आए थे तो बहुत ठंडा था पहाड़ पे, और यहाँ पर हम एक शर्ट में घूम रहे हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है घूमने के लिए। वैसे अहमदाबाद में गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मियों के टाइम पे यहाँ जो टेम्परेचर है वो 43 से ऊपर भी गया हुआ है काफ़ी समय, तो अभी बहुत बढ़िया टेम्परेचर है यहाँ पर पे घूमने लायक। ये सूर्य कुंड अभी लगी हुई है ना, प्रोग्राम हो रहा है वो देखो, किसी प्रोग्राम की तैयारी हो रही है यहाँ पर।
मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के महसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। सोलक वंशी के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026 और 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। बहुत अच्छा लग रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर। अब कटार में जाना है। चलो चलो परिक्रमा। से पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है, मोढेरा का सूर्य मंदिर अहमदाबाद। जिस प्रकार का एम्बियंस है यहाँ पर, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सीतारमम, तो उस पिक्चर की जो शूटिंग है कुछ इससे यहाँ पर पे सीन यहाँ पर पिक्चराइज हुए हैं। जैसे एक गाना था उस पे दिल से दिल, मैं उसको आपको दिखाऊंगा, वो उसके शूटिंग हुई है इस लोकेशन पे, सीतारमण। अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार देखिएगा। इस लोकेशन पे इसकी शूटिंग हुई है। और यहाँ पर सूर्य नमस्कार के मंत्र लिखे हुए हैं, ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, कृष्ण नमः, गरुडाय नमः, ओम मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सावित्री नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। और ये जेठालाल रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय सुनाते हैं। बताओ चुनरी तेरी सरकनी पे यहाँ पर डांस हो रहा है। कितना फेमस हो गया हमारा ये गाना। अच्छा।
to have faith when you leave. Sit at the table, the plate that I made for you. You're ready for what's next, I hope you're taking a few moves too. आवश्यक माना गया है दिल्ली मोदी जी की काफी अनुष्ठानों के बाद वो एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुड़ पाया। मजा आएगा। बंदर देखो लंगूर है। सुना था मैं।